हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द अनहोली। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और ये मूवी यूएस में 2 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के मेकर हैं सैम रायमी, जो कि हॉरर और थ्रिलर मूवी बनाने में काफ़ी फेमस हैं, और इसके डायरेक्टर हैं इवान स्पोटलोपोलिस। इस मूवी में मेन लीड में जेफरी डीन मॉर्गन, कैटी एसल्टन और कैरी एल्विस हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पे 5.2 की रेटिंग मिली है, लेकिन रेटिंग पे मत जाना दोस्तों, ये मूवी वन टाइम वॉच तो है ही। इस मूवी की स्टोरी और डायरेक्शन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग है या बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये मूवी सभी हॉरर थ्रिलर लवर्स के लिए वन टाइम वॉच तो ज़रूर है। मूवी की स्टोरी कुछ यूँ है कि गैरी एक न्यूज़ रिपोर्टर है और उससे कुछ साल पहले फेक न्यूज़ बनाने की वजह से सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स ने काम देने से मना कर दिया है, और अब वो एक स्मॉल टाउन न्यूज़ रिपोर्टर है। एक रात वो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है तो अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो उस लड़की के पीछे जाता है तो वो लड़की एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। गैरी उसे जब हाथ लगाता है तो वो उसे थैंक यू बोलती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो चर्च के बाहर सब लोगों के सामने फिर से बोलती है और सबको ये एक मिरेकल लगता है, क्योंकि ये लड़की जन्म से गूंगी बहरी है और वहाँ के सब लोग ये जानते हैं। फिर वो लड़की सब लोगों को नेक्स्ट डे वहाँ आने को बोलती है और नेक्स्ट डे वो फिर से एक मिरेकल करती है। दरअसल इस लड़की के अंदर से एक बुरी आत्मा ये सब कर रही होती है और ये लड़की उस बुरी आत्मा की वंशज है, और इसके बाद जो सब उस स्मॉल टाउन में होता है ये उसकी पूरी कहानी है मूवी द अनहोली। ये मूवी 1983 की एक फेमस नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम था श्राइन, और जिसके लेखक थे जेम्स हार्बर्ट। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, वीएफएक्स और ओवरऑल ग्राफिक्स और हॉरर टाइमिंग बहुत अच्छी हैं, जो इसे वन टाइम वॉच तो बनाती ही हैं। अगर आपको हॉरर थ्रिलर मूवीज़ पसंद हैं तो ये मूवी आपके लिए वन टाइम वॉच तो ज़रूर है। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू।